अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये जेई मेंस 2006 का क्वेश्चन है, तो मेंस का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ साइज एन क्रॉस एन, एन बाई एन ऑर्डर का, सच डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑलवेज ट्रू। 2006 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का है, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, तो कौन सा ट्रू है। तो ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग तो खर्च हो नहीं रहा है। गिवन क्या है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। तो अब तो बोला है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, ए इज इक्वल टू बी होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, इधर ऑफ ए और बी इज अ जीरो मैट्रिक्स होगा, इधर ऑफ ए और बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इधर का मतलब या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए। अब तुम ऐसे देखो, गिवन तो ये है, ठीक है ना, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, ये माइनस बी ए हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब तुम देखो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल ऐसे करने का मतलब इसको हम इधर ले गए तो ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। ये नंबर नहीं है कि मैं ऐसे बस माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को मैं उड़ा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए बी माइनस बी ए बराबर नल, तो यहाँ से हो गया ए बी बराबर बी, हो गया ये सॉल्व, ये हमेशा ट्रू होगा, मतलब ए एंड बी कम्यूट करेगा तो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें बोल रहा है लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी जो है हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। स्टेटमेंट 1 में क्या है, ए इंटू बी ए प्लस ए बी इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये और ये सिमेट्रिक होगा, कब, जब ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी कम्यूट। ये भी इसका क्वेश्चन है जेई मेंस या एडवांस का, मैंने लिखा नहीं, ईयर नहीं लिखा है, ये भी जेई मेंस या एडवांस, शायद ये जेई मेंस का नहीं, मेंस या एडवांस का किसी का क्वेश्चन है, मैंने ईयर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये है तो जेई मेंस या एडवांस में से किसी एक का क्वेश्चन, शायद ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, मे बी, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, ए और बी को तो पहले बोल दिया सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, ए बी सिमेट्रिक होगा इफ ए एंड बी कम्यूट करेगा, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट 1 जो लिखा है वो सही है, ए का बता रहा हूँ। बी का क्या मतलब है, जो स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका अब क्या मतलब है, कि मतलब कि तुम स्टेटमेंट 2 को यूज करके स्टेटमेंट 1 को प्रूफ नहीं कर सकते हो, मतलब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का कोई लेना देना है, मतलब 2 से 1 पे जाओ या 1 से 2 प्रूफ हो रहा है, तो फिर क्या, अगर 1 से 2 प्रूफ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 प्रूफ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब कि 1 को यूज करके 2 ले आओ तो स्टेटमेंट 1 जो है या इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, और अगर 2 से तुम 1 ले आओ तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो क्या है, ए और बी को देखो सॉल्यूशन 10 पे करते हैं, ए और बी को क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, बी क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज। अब क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं, ये पहले देखें कि ट्रू भी है या फॉल्स है, ये क्या है, ऐसे ही स्टेटमेंट लिखे हैं, देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसका क्या मतलब है, कि 1 को तुम यूज करके ना 2 प्रूफ कर सकते, मतलब 2 को यूज करके स्टेटमेंट 1 प्रूफ कर सकते हो,
तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते क्या है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट वन जो लिखा है ये करेक्ट है भी या नहीं है।